मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूं कि कभी भी कोई डॉक्टर आपको कहता है कि हार्ट की आर्टरीज में वेन्स में ब्लॉकेज है 70% तक है, तब तो आप बिल्कुल हंसी खुशी रहिए, कोई चिंता की बात नहीं, 75 है 80 है 85 है तो आप चिंता करिए और इस ब्लॉकेज को निकालने के लिए कुछ काम शुरू करिए। आप बोलेंगे ऑपरेशन है, ऑपरेशन उसका इलाज नहीं है। क्यों इलाज नहीं है मैं बताता हूँ आपको। ऑपरेशन होता क्या है, एक ऑपरेशन है जिसमें आपको एंजियोप्लास्टी किया जाता है। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि मैंने बताया ये जो एक तरह की आर्टरी है मान लीजिए इसमें से ब्लड जाना है और ये रुक गई है, तो डॉक्टर एक छोटी सी स्प्रिंग है वो आपकी आर्टरी में डालेगा, कट करेगा यहां से आर्टरी को उठाएगा और स्प्रिंग उसमें इंसर्ट कर देगा। वो स्प्रिंग इतनी बड़ी होती है, वो जो बॉल पेन में आपने देखा एक स्प्रिंग होती है एग्जैक्टली वही स्प्रिंग, बस उसमें मेडिकेशन किया हुआ होता है, दवा उस पर लपेटी हुई होती है। वो स्प्रिंग 10 रुपए की बनती है लेकिन आपके हार्ट में डलने के बाद उसकी कीमत 2 लाख रुपए हो जाए, सिर्फ 10 रुपए की बनती है। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इतनी लूट मची है। हाँ, इतनी ही लूट मची है इस देश में। 10 रुपए की चीज को आपके हार्ट में डाल के वो कहेगा कि अब तो 2 लाख का बिल हो गया, 2.5 लाख का बिल हो गया, 3 लाख का बिल हो गया। आपको पता नहीं है, आप क्रॉस चेक नहीं करते और हम ये मान के बैठे हैं कि ये तो भगवान है जो डॉक्टर है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि भगवान जब होता था डॉक्टर तब होता था, अब नहीं, अब तो वो शैतान से भी ज्यादा खतरनाक है। भगवान फिर भी आपकी जान ही लेगा, ये तो इतना शैतान है कि जान भी लेगा पैसे भी निकाल लेगा आपके घर से। हाँ, ये तो शैतान से भी ज्यादा खतरनाक। इसलिए मैं आपको थोड़ा अवेयर करना चाहता हूं कि हर्ट की प्रॉब्लम लेके कभी भी किसी डॉक्टर के पास आप जाएं और कोई डॉक्टर आपको ये कह दे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया इसके कारण ब्लॉकेज आ गया है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया इसके कारण ब्लॉकेज आ गया है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए जब तक आप अपनी रिपोर्ट नहीं देख लेते कि इसमें कितना परसेंट है। अगर 70 या 70 से नीचे है तब तो चिंता करने की बात ही नहीं, घर आइए आराम से सोइए खाइए पीजिए। 70+ है तो जरूर थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन उस चिंता को दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑपरेशन उसका उपाय नहीं है। क्यों? मान लीजिए उसने एक आर्टरी में आर्टरी को कट किया और एक स्प्रिंग डाल दिया, स्प्रिंग मैंने कहा इतनी सी स्प्रिंग यहां आ गई, ठीक है। अब ये स्प्रिंग डाल दी तो इसमें होगा क्या कि आर्टरी का थोड़ा एक्सपेंशन हो गया तो खून ज्यादा जाने लगेगा, 1-2 दिन आपको बहुत रिलीफ लगेगा, लेकिन आगे और पीछे जहां स्प्रिंग है ना उसके आगे और उसके पीछे वहां फिर जमा हो जाएगा क्या, कचरा कीचड़ कोलेस्ट्रॉल फिर जमा हो गया तो फिर तकलीफ आएगी आपको, फिर दोबारा आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर कहेगा आपको एक और एंजियोप्लास्टी कराना पड़ेगा, तो जहां पे उसने स्प्रिंग डाला था उसके आगे पीछे और एक डाल देगा, फिर आपका 2-2.5 लाख का खर्चा, फिर उसमें क्या होगा जहां स्प्रिंग पड़ गई वहां से तो ब्लड निकल गया, फिर उसके आगे और पीछे फिर वही समस्या। मतलब सीधा सा ये है कि ब्लॉकेज होने की टेंडेंसी जब तक आपके ब्लड में रहेगी तब तक ये होता ही रहेगा, आप चाहे कितनी एंजियोप्लास्टी करा लीजिए। और एक आर्टरी में 2 या 3 से ज्यादा एंजियोप्लास्टी हो नहीं पाती क्योंकि वो बहुत वीक हो जाती है, तब डॉक्टर आखिर में कहता आप बाईपास सर्जरी करा लो। बाईपास सर्जरी में क्या होगा, जो आर्टरी है उसके पैरेलल एक दूसरी आर्टरी लगाए और इसको बंद कर देगा, लेकिन अगर ब्लॉकेज की टेंडेंसी उसमें भी बनी हुई है तो थोड़े दिन में उसमें भी ब्लॉकेज आ जाएगा। कीचड़ भरने की अगर नाली में टेंडेंसी है तो नाली कितनी भी नहीं बनाते रहो कीचड़ भरने ही वाला है, आप कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि पानी के साथ नाली में कीचड़ ही ना जाए, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़े ही नहीं, ट्राइग्लिसराइड बढ़े ही नहीं, और कोलेस्ट्रॉल बढ़े तो वो बढ़े जो अच्छा वाला है जिसको हम HDL कहते हैं, खराब वाला क्यों बढ़े LDL और VLDL। तो मूल बात जो हमें समझने की है वो ये कि हार्ट की प्रॉब्लम में कभी भी आपको डायग्नोसिस कर दिया किसी डॉक्टर ने कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है, हार्ट फेल होने वाला है, कार्डियक अरेस्ट होने वाला है क्योंकि आपकी आर्टरीज में यहां ब्लॉकेज है यहां ब्लॉकेज है, तो इसमें चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। चिंता करेंगे आप घबराएंगे, घबराहट में वो सारे पैसे आपके निकाल लेगा क्योंकि यही आपका वीक पॉइंट है। आप चिंतन ये करिए कि मेरे ब्लड में जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ क्यों रहा है, ये कम हो जाना चाहिए। अब ब्लड में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ही ब्लॉकेज है तो खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण जान लीजिए,
किन कारणों से खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और किन कारणों से अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जिंदगी में जितने भी लोग डालडा खाते हैं, डालडा आप समझते हैं, वेजिटेबल वाले, ये डालडा सबसे खराब वस्तु है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। खराब कोलेस्ट्रॉल मैंने फिर बोला एलडीएल और वीएलडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल आपके खून में सबसे ज्यादा तब बढ़ता है जब आप डालडा खाते हैं और रिफाइंड ऑयल खाते हैं और डबल रिफाइंड ऑयल खाते हैं, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल खाते हैं। तो रिफाइंड ऑयल, डबल रिफाइंड ऑयल, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल, डालडा, ये चार नाम हमेशा याद रखिए जो सबसे खतरनाक है आपकी जिंदगी के लिए। इनसे जुड़े हुए अगर प्रोडक्ट आपके घर में है, डालडा या डालडा का कोई भी प्रोडक्ट, एक्स वाई जेड ब्रांड नेम से आ सकता है, रिफाइंड ऑयल का कोई भी प्रोडक्ट एक्स वाई जेड नेम से आ सकता है, वो रुचि हो सकता है, वो सोया हो सकता है, वो गगन हो सकता है, वो पता नहीं क्या क्या नाम से हो सकता है, ये सब वो प्रोडक्ट है जो आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। खराब माने एलडीएल और वीएलडीएल, उसके कारण आपको ब्लॉकेज। तो क्या करना चाहिए, इमीडिएट आपको फैसला करना चाहिए कि भाई हमारे घर में डालडा नहीं आएगा, हमारे घर में कोलेस्ट्रॉल खराब बढ़ाने वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो डालडा हटा दीजिए, अपने भोजन से डालडा निकाल दीजिए और रिफाइंड ऑयल भी निकाल दीजिए, डबल रिफाइंड भी ऑयल निकाल दीजिए। तो रिफाइंड और डबल रिफाइंड और डालडा निकालते ही आपका कोलेस्ट्रॉल घटना शुरू हो जाए इमीडिएट। और अगर आप चाहें तो 3 महीने ऐसा खाना खा के देख लीजिए जिसमें डालडा की एक बूंद भी ना डाली गई हो और रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल ना इस्तेमाल किया गया हो, 3 महीने में वो डॉक्टर ही कह देगा अरे आपका तो बहुत कम हो गया एलडीएल और वीएलडीएल। तो कारण आपको पता होना चाहिए। कारण सबसे बड़ा जो है बैड कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट अटैक लाता है, कार्डियक अरेस्ट लाता है, उसको लाने वाला जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है आपके रसोई में, वो डालडा है, रिफाइंड ऑयल है, डबल रिफाइंड ऑयल। अब आप उल्टा कहेंगे कि डॉक्टर तो सब बोलते हैं रिफाइंड ऑयल खाओ, हार्ट की प्रॉब्लम से बचना है तो डबल रिफाइंड खाओ और अच्छा। डॉक्टर इसलिए बोलते हैं कि उनका आपस में एक दूसरे के साथ जबरदस्त कनेक्शन है, रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल बेचने वाली कंपनियों का डॉक्टरों के साथ कनेक्शन है, डॉक्टर उनका जितना भी प्रिस्क्रिप्शन करेंगे कंपनियों का धंधा चलेगा, कंपनियों का धंधा चलेगा तो डॉक्टरों का भी धंधा चलेगा। लोग जितना ज्यादा रिफाइंड और डबल रिफाइंड खाएंगे उतना हार्ट अटैक आएगा, उतना हार्ट अटैक आएगा तो डॉक्टरों की भी चांदी है, कंपनियों की भी चांदी। इसलिए आप विज्ञापन देखकर टेलीविजन पर कभी भी जिंदगी के बारे में फैसला मत करें। टीवी पर ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं, कोई पत्नी अपने पति के बारे में बात करती हुई कहती है कि इनको तो ये तकलीफ है, तो मैं उसी दिन से सोया वनस्पति ऑयल ले आई, तो ये ऑयल ले आई, तो वो ऑयल ले आई, बस यही खतरनाक। क्योंकि एक भी विज्ञापन सच नहीं होता और सच विज्ञापन करने की उनकी कोई जवाबदारी नहीं है, क्योंकि सरकार ने उनको झूठ बोलने का लाइसेंस दिया है। एक भी विज्ञापन सच नहीं होता और सच बात विज्ञापन में बताई नहीं जाती। तो आप टीवी विज्ञापन देखकर कभी भी ये डिसाइड मत करिए कि हमारे घर में क्या लाना है क्या नहीं लाना। वो ऑयल के बारे में है तब तो बहुत कॉशियस नहीं। तो आप जैसे ही डालडा हटाएंगे, जैसे ही ट्राई ये रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल हटाएंगे, 3 महीने आप देशी घी में खाना बना के खा लीजिए, देशी घी, आप देखेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड कम होना शुरू हो जाएगा। अब ये महत्व की बात है जो आपने कहा वो भी नकली है, तो असली बना लीजिए घर में। दूध आपके पास आता है, दही बना लीजिए, उसमें से मक्खन निकाल लीजिए, मक्खन को गर्म करके घी बना लीजिए, वो आपके घर में ही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप घी के लिए देशी घी जितना ज्यादा खाएंगे बैड कोलेस्ट्रॉल उतना कम बनेगा, डालडा जितना खाएंगे बैड कोलेस्ट्रॉल उतना ज्यादा बनेगा, रिफाइंड और डबल रिफाइंड खाएंगे और ज्यादा। तो पहली बात अपने जीवन में याद रखिए कि हर्ट से जुड़ी हुई किसी भी प्रॉब्लम में तेल तुरंत बदल दीजिए। फिर आप बोलेंगे अच्छा डालडा छोड़ दिया, तो डालडा छोड़ के घी पे आ जाइए। और घी में मैं आपसे कह चुका हूं कि गाय का हो तो बहुत अच्छा है, गाय का घी जिस पर 12 साल मैंने रिसर्च किया है 1 ग्राम भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता, गाय के घी में ऐसी तासीर। हाँ मैं बताता हूँ एक मिनट, गाय का घी 12 साल तो मैं रिसर्च कर लिया, 1000 साल हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च कर लिया,
गाय का घी 1 ग्राम भी कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ने नहीं देता, कितना भी खा ले आप, 1 ग्राम भी नहीं बढ़ने देता है जो घी, वो भैंस का है। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको भैंस का घी तो छोड़ ही देना अच्छा है, गाय का घी कहीं से अरेंज करना। अब आप बोलेंगे गाय नहीं है तो गाय लाइए, गौशाला है पटियाला में, वो गौशाला वालों से निवेदन करिए वो देशी गाय पालेंगे, आपको घी भी देंगे, दूध भी मिलेगा। ये सारी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। बात जो मोटी समझने की है वो गाय के घी की है।